हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि रोज तुलसी के सामने हाथ जोड़कर यह दो शब्द बोलने से 7 जन्म पुरानी दरिद्रता भी दूर हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देव मुनि नारद भगवान विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तुलसी आपको अत्यंत प्रिय है, तुलसी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय भी है, परंतु तुलसी पूजा का क्या विधान है, पूजा में क्या सामग्री ली जाती है, हे प्रभु किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए, यह मुझे अभी भी पता नहीं है। इस प्रकार नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया था। विष्णु जी कहते हैं कि जो स्त्री नित्य तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी, और जो भी पुरुष रोज तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा की जाए उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है, यह मंत्र समस्त फलों का प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि देसी गाय के घी का दीपक, गूगल धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी जी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन और मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के गोलोक में वास करता है, और जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करता है वह 1000 गाय के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से विवाह में चल रही बाधाएं दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, डर से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का महत्व और पूजा विधि का तरीका नारद मुनि को बताया था। आइए अब जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए उस महामंत्र के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी का पौधा न केवल घर की हवा को शुद्ध करता है बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट कर देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में ना लगाया जाए तो कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और साथ ही तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, और जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गलत दिशा में लगा तुलसी का पौधा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में असमर्थ होता है, जिसके कारण आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव ही पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधा दक्षिणी दिशा की नकारात्मक ऊर्जा के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण भी बना रहता है। और दोस्तों, महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को गलती से भी जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर ही तुलसी को जल देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको सर्वदा अनुचित माना गया है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागिन रहने का वरदान दिया था। अतः जीवन में सौभाग्य वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने बाल बांध कर और मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही तुलसी में जल अर्पित करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में अवश्य रखें, जिससे तुलसी के
आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू, कचरा आदि भूल कर भी ना रखें। इसे तुलसी का अपमान होता है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उस गमले में अन्य कोई दूसरा पौधा ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल अर्पित करने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि और प्रेम का वास बना रहता है। लेकिन 7 दिन में एक बार जल में दूध की 2 से 3 बूंदे मिलाकर तुलसी में अवश्य अर्पित करें। रोज तुलसी में दूध ना डालें। संध्या काल में तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार तुलसी का वो महामंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र को आप कभी कहीं पर भी नोट कर लीजिए। पर मंत्र इस प्रकार है। शीम हरिम क्लिम एम वृदा वे स्वाहा। मंत्र को एक बार दोबारा सुन लीजिए। श्रीम हरिम क्लिम अम वृदा वे स्वाहा। इस दशासर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने मात्र से उनके घर की दरिद्रता, सारी नकारात्मकता, ऊर्जा और गरीबी का नाश होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। जीवन में अचानक धन प्राप्ति के विशेष योग निर्मित होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर भगवान विष्णु के द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी भी जरूर लिखें। जय श्री हरि, जय श्री राधे। धन्यवाद।